नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़रे में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की किताब गाइड माध्यमिक दीपिका से पार्ट 7 समूह कोण की धारणा के समय सवालों का समाधान करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल कैसे बना है, समझते हैं। प्रश्न है 7 का 1, दो सर रेखाएं पी क्यू एवं आर एस, देख रहे हैं पी क्यू आर एस, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हुई, तो ओ बिंदु पर काट रही है, जो समूह कोण बनाती है। देखिए ये आपस में समूह कोण है, ये आपस में समूह कोण है, तो बनाती है, उनका अंकन करें और लिखें। तो ये अंकन हो चुका। अब जहाँ तक लिखने का है, प्रश्न अनुसार प्राप्त समूह कोण, पहला देखिए, याद रखिए पी ओ एस, पी ओ एस एक कोण हुआ, देख रहे पी ओ एस, इसका समूह कोण क्या होगा, क्यू ओ आर हो गया। आप देखिए पी ओ एस के जगह पर एस ओ पी भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में ओ रहेगा, इतना तो आपको पता ही है। फिर भी ए बी सी डी में जो पहले आता है उसके हिसाब से लिखा गया है, और आप भी वही कोशिश करें। तो पी पहले आता है एस से, तो पी ओ एस और फिर क्यू ओ आर, इधर वापस समूह कौन है। दूसरा है पी ओ आर, पी ओ आर और एस ओ क्यू, इधर वापस में समूह कौन है। तो पहले ये लिख दीजिए या पहले ये लिखे, कोई बात नहीं। उत्तर, तो ये उत्तर हो गया, ये चित्र हो गया। अब 2 नंबर पर जाते हैं। 2 का AB 2 को दिया गया है। चित्र देखकर कोणों का मान लिखने की चेष्टा करें। चित्र देख रहे हैं, समूह कोण आपस में बराबर होता है, हमें पता है 1 2 3 4, 4 कोण है। यहाँ पर देखिए 1 का दे दिया था, 1 का 35, अगर 1 का 35 है तो हम 3 का, ये जितने भी क्वेश्चन है ना बॉक्स है, इसमें निकाल कर लिखना है, कैसे आया है वो देखते हैं हम लोग। 1 का ठीक समूह कोण क्या होगा, बराबर होता है, ये 35 दिया है तो 3 भी कितना होगा 35, तो 35 हमने लिख दिया। अब देखिए ये अगर 35 है और ये 21 रेखा पर ये कोण है, तो आपस में ये रेखा खड़ी है जिससे आपस में संलग्न कोण बनते हैं। जब 21 रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सबका मान 180 डिग्री होता है, अगर ये 35 है ये कितना होगा, 145 होगा, 180 से 35 घटाएंगे 145 आएगा। तो एक अगर 35 है तो 4 कितना होगा, 145 होगा, दोनों जोड़ने से 180 हो जा रहा है। अच्छा, अब ये इतना कितना, ये भी 35 और ये 35 है तो ये कितना होगा, तो ये दोनों जोड़ने से भी 145 होना चाहिए, 145 होगा। या फिर आप ऐसे समझिए इन दोनों का समूह कोण बराबर होता है, ये अगर 145 है तो ये भी 145 होगा। तो कोई एक निकाले और समूह कोण से जांचे, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, तो 180 से 35 घटाएंगे तो 145, ये 145 है तो ये भी 145 होगा। इस तरह से उत्तर पूरा हुआ, उम्मीद है आप समझ सके, मैं समझा सका। अगला है बी नंबर, गौर से देखिए, ये पी क्यू और आर एस एक दूसरे को काट रहे हैं, समूह कोण ये दोनों और ये दोनों हो रहा है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए गौर से, टी ओ एस 20 डिग्री, टी ओ एस, ये टी ओ एस 20 डिग्री, इसका मान 20 डिग्री है, मैं संकेत से दिखाऊं तो अच्छा रहेगा, कलम लेता हूं, तो ये हो गया आपका टी ओ एस 20 डिग्री दिया हुआ है।
और दिया हुआ क्या, आर ओ क्यू 60 डिग्री। अब आर ओ क्यू 60 है, देखिए ये समूह कौन इसका ये बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए 60, लेकिन 60 में से ये पता चल गया 20, तो बचा जो वही होगा, बचा कितना 60 से 20 चला जाएगा तो 40। तो पी ओ टी कितना होगा 40, तो वही 40 है। अब आर ओ पी का निकालना है, आर ओ पी अब उसी तरह करेंगे हम। इस रेखा पर ये संलग्न कोण है दोनों, ये रेखा खड़ी है जिससे दो संलग्न कोण बनता है, दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। ये 60 है तो ये 120 होगा, तो आर ओ पी कितना होगा 120। जिसके सम्मुख कोण ये है तो इसका मान पूछा है क्यू ओ एस, ये अगर 120 है तो ये भी कितना होगा 120 पूरा हुआ ये भी। अब तीसरा नंबर पर जाते हैं, तीसरा नंबर सवाल है, तीर्थ ने पी क्यू एवं एक्स वाई दो रेखाएं खींची जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। देख रहे हैं पी क्यू और एक्स वाई एक दूसरे को कहाँ काटती है, ओ बिंदु पर काटती है। किस दिया गया, मैं चांदा की सहायता से समूह कोणों को माप कर देखूंगा। अब मित्रों ये जो समूह कोण है काटा गया है, तो आप कैसा भी समूह कोण एक काट दीजिएगा, जहाँ पर पी क्यू क्यू वाई पी क्यू और एक्स वाई लिख दीजिएगा, बीच में वो लिख दीजिएगा। अब आपका जैसा हो, चांदा से मापने तो आता ही आप, चांदा से जीरो से शुरू होता है, ऐसे रखेंगे चांदा बीच में ही रहेगा, जीरो से माप दे कितना डिग्री है, इस तरह से रख रख कर आप माप कर देख लीजिएगा और जो भी आएगा लिख देगा। इनका उत्तर आया है 50 डिग्री और 130 डिग्री, उस तरह से आपका भी आएगा 45, 60, 55 जो भी आएगा आप माप बाप को इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला है चार नंबर, इसमें कहा गया है पास का चित्र देखकर, ये पास का चित्र है, नीचे के प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करें। तो आप चित्र देख रहे हैं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करता है या एक दूसरे को काटते हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये समूह को निष्का ये समूह को निये भी कह सकते हैं हम। खैर आगे बढ़ता हूँ, प्रश्न क्या है उसके हिसाब से बात हो। ऐसे दो कोणों का नाम लिखे जो परस्पर पूरक हो, पूरक हो और संपूरक हो, याद रखिए संपूरक मतलब दोनों जोड़ने से 180 डिग्री होना चाहिए, आप पूरक मतलब दो जोड़ने से 90 डिग्री, तो पूरक कहा गया 90 डिग्री। हम जानते हैं कहा गया ऐसे दो कोणों का नाम लिखे जो परस्पर पूरक हो, परस्पर पूरक हो। यहाँ देखिए ए ओ एम देख रहे हैं, एम ओ डी ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण परस्पर पूरक है, मतलब दोनों कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री होता है। ऐसा है इसमें समझने वाली बात, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा भैया, 60 में कितना जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो 60 को 90 कर रहा है ना, पूरा कर रहा है कौन 30, तो 60 का पूरा कौन 30 हुआ, मतलब कि 90 बनाने में किसी कोण को और कितना कोण जोड़ दिया जाए उसमें तो को 90 हो जाए वो पूरा कोण कहलाता है, और 60 है तो 60 का पूरा कोण 30 कहलाएगा। अगर ये 45 है तो यहाँ पर 45 में कितना जोड़ने से 45 होगा, ये 45 हो जाएगा, 45 में जब 45 जोड़े तो 45 का पूरा कोण 45 हुआ। इसी अर्थ में कहा गया है कि ऐसे दो कोणों का नाम लिखे जो परस्पर पूरक हो, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री बना रहे हो, पूरक हो मतलब 90 डिग्री बना रहे हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे काटने के बाद हम जानते हैं कि ये ऊपर जो खड़ा है लम है, दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, आधा कर रहा है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी कितना होगा 90
जोड़ेंगे तो आएगा 9 चौके 36 360 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ 90 है तो ये जो होगा अगर बीच में सही से कटा तो ये दोनों होगा 45 45। और मैं कह रहा हूँ अगर 45 भी हो 90 ना भी हो, पर ये दोनों जोड़ने से अगर 90 ना भी हो तो भैया ये तो 90 होगा नहीं, 90 ज़रूर होगा। तो ये लम ही है, याद रखें ये लम है। तब एक का मान 45 है तो इसका ये बीचों बीच कटा हुआ है, अगर का बीचों बीच तो है ही, ये 45 तो ये भी कितना है 45। इसका पूरा कोण मतलब दोनों जोड़ने से 90 होना चाहिए। 45 से इतना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 45 से 45 जोड़ेंगे तो 90 होगा। इसी प्रकार का ए ओ एम का पूरा कोण एम ओ डी। अगला, ऐसे दो कोणों का नाम लिखे जो परस्पर समपूरक हो 180 डिग्री का हो। अब ये तो दिख रहे हैं इस रेखा पर ये खड़ा थी, दोनों जोड़ने से कितना होगा 180। ए ओ सी का समपूरक कोण क्या होगा, बी ओ सी हो गया। या इन दोनों कोण को ले अगर, या ऐसे भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर दो ही कोण बोला है, ऐसे भी ले सकते हैं ए ओ एम, ए ओ एम, ए ओ एम, बी ओ एम, बी ओ एम, यहाँ से यहाँ आ रही है। इसका संपूरक ये हुआ, इसका संपूरक ये हुआ, मतलब दोनों जोड़ने से 180 डिग्री आएगा। तो जैसे भी दो बोला है तो यही दो लिख दीजिएगा, किसी भी रूप में आपका दोनों जोड़ने से 180 आ जाए तो संपूरक होना, इसका ये संपूरक हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, ऐसे दो कोणों का नाम लिखे जो परस्पर समूह कोण हो। समूह कोण आप देख रहे हैं, इसका समूह कोण नहीं हुआ और ये पूरा का समूह कोण ये पूरा हुआ। तो बी ओ डी, बी ओ डी का समूह कोण क्या हुआ, ए ओ सी, और ए ओ डी पूरा का समूह कोण क्या हो जाएगा, बी ओ सी, इधर समूह कोण। अब 5 नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर बोला है, दो सरेखाएं यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो समूह कोण का मान समान होता है, तर्क के साथ प्रमाणित करें। देखिए प्रमेय है, इसमें दो बातें होती है, शर्त और सिद्ध। दो सरेखाएं यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो समूह कोण का मान समान होता है। तो जो समूह कोण उत्पन्न होते हैं उसका मान क्या होता है, समान होता है, समान होता है, ये आपका सिद्ध करना है। चलिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको परकम चित्र बनाएंगे। दो सरेखाएं एक दूसरे को काटे, एक काट रहे हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मान ला कि ए बी और सी टी दो सरेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु पर काटती है, हो गया। अतः सिद्ध करना क्या है, आया काटती है, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप दो जोड़े समूह कोण क्या होता है, ए ओ डी हो गया एक, बी ओ सी एक जोड़ा हो गया, एवं ए ओ सी, ए ओ सी, बी ओ डी, बी ओ डी, ये दोनों। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, समूह कोण का मान समान होता है, ये बराबर ये, ये बराबर ये, दिखा दें इसे बराबर प्रमाण। देखिए कोण ए ओ डी जोड़ कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। ए ओ डी और ए ओ सी, अब देखिए गौर से, ए ओ सी और ए ओ डी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। संलग्न है ना, संलग्न कौन है, ठीक हो गया सर, रेखा विस्तृत दो संलग्न कौन 180 डिग्री। फिर बी ओ सी और ए ओ सी 180 डिग्री, बी ओ सी
और AOC वो जोड़ेंगे तो 87 डिग्री। तो इसमें ये आ रहा है, इन दोनों में ये आ रहा है, देख रहे हैं ना, इन दोनों में ये आ रहा है, इन दोनों में भी ये आ रहा है, बराबर 180 डिग्री जोड़ने से 180 डिग्री। अब देखिए BOC और BOD बराबर BOC AOC, क्यों दोनों को मान 180 180 180 है, दोनों बराबर हो गया। फलतः AOC बराबर BOD, AOC बराबर BOD, दोनों तरफ से BOC घटाने पर, BOC इसमें है, BOC इसमें, दोनों तरफ से घटा देंगे तो क्या बचेगा, AOC बराबर BOD या BOD बराबर AOC आ गया। तो अब गौर करेंगे तो ये दोनों बराबर है, कौन सा, AOC बराबर BOD, AOC बराबर BOD। इसी तरह प्रमाणित किया जा सकता है कि कौन AOD बराबर कौन BOC, ऐसे लिख देंगे, इसी तरह प्रमाणित किया जा सकता है कि कौन BOC कौन AOD बराबर कौन BOC। इसके बाद उसको लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे प्रमाणित। अब 6 नंबर प्रश्न देखिए, चित्र से BOD BOC और AOC का परिमाप लिखे, BOD इसका पूछा जा रहा है, BOC BOC और AOC। अब जानते हैं 180 120 है, इसका समकोण 120 होगा, ये 120 निकल गया, अभी दोनों जोड़ने से 180 होता है तो 120 से 60 होगा, ये दोनों क्या होगा 60 60 होगा, देखिए हो गया, इन दोनों का 120 इन दोनों का 60। आते हैं आगे 7 नंबर सवाल, सात नंबर, कौन POR एवं कौन QOS का योग 110 डिग्री है। चित्र में आप देख रहे हैं POR और QOS दोनों को जोड़ने पर हो रहा है 110 डिग्री। फिर से देखा जाए, देखिए अच्छा से, POR ये कौन, POR QOS QOS दोनों को जोड़ने से हो रहा है 110 डिग्री। तो हमें पता है दोनों क्या है, आपस में बराबर है, समकोण का मान बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों को जोड़ने से हो रहा है 110, तो 110 को दो भाग करेंगे तो क्या आएगा 55, इसका 55 इसका 55 दोनों 55 55 पता चल गया। तो कौन POS कौन QOS कौन QOR एवं कौन POR का परिमाप लिखे, जैसा कि हमने यहाँ से निकाला ये दोनों का क्या है 55 55 हो गया। अब आप जानते हैं कि इस रेखा पर ये संलग्न कौन है, इस रेखा पर खड़ा ये दोनों जोड़ने से 180 होगा, अब ये 55 है तो 180 में से 55 मतलब दोनों का कौन आपका संपूरक है ना, संपूरक है, तो 55 में कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, 125 होगा, या फिर ऐसा करेंगे 125 में से 180 में से 55 घटा देंगे ये वाला
जो बचेगा ये होगा आपका 125, ये 125 होगा तो इसके संपूरक अंक होगा, ये भी 125 होगा समूह कोण, 125 125, 55 55 हो गया। अगला आठ नंबर, ओपी ओक्यू ओआर एवं ओएस एक बिंदुगामी रेखाएं हैं। ओपी और ओआर एक ही सर रेखा पर स्थित हैं। पी एवं आर बिंदु क्यू बिंदु के विपरीत दिशा में स्थित है। कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस एवं कोण पी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ आर, यदि कोण पी ओ क्यू बराबर 50 डिग्री हो तो कोण क्यू ओ आर कोण आर ओ एस एवं कोण पी ओ एस का परिमाप लिखें। चित्र में आप देख रहे हैं पी ओ क्यू 50 डिग्री, पी ओ क्यू 50 डिग्री है, ठीक है, और पी क्यू 50 डिग्री बराबर कोण आर ओ एस दिया गया है, आर ओ एस आर ओ एस, ये अगर 50 डिग्री है इसका निकालना, रुको पीछे वाला उधर क्या था ख्याल नहीं किया। यहाँ पर देखिए पी ओ क्यू बराबर क्यू ओ आर है, पी ओ क्यू बराबर क्यू ओ आर है, पी ओ क्यू का कितना हो गया 50, तो क्यू ओ आर का भी कितना होगा 50, क्यू ओ आर ये भी 50, ये दोनों 50 50 कितनों बराबर है दिया है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये तो एक शेष हो गया। दूसरा आर ओ एस आर की तरह आर ओ एस इसका और पी ओ एस का कितना होगा। अब ये दोनों 50 50 है तो सोचिए इसका और इसका कितना होगा, ये गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहाँ का अगर 50 है ये 50 से 100 हो जाएगा, ये भी 50 ये 50 200 हो रहा है ना, 360 डिग्री होता है टोटल जोड़ने से, तो गड़बड़ हो रहा है। सवाल क्या है, ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस एक बिंदुगामी रेखा है, ठीक है, ओ पी ओ आर एक ही सर रेखा पर स्थित है, ठीक है, पी एवं आर बिंदु ओ बिंदु को विपरीत दिशा में स्थित, ठीक है, ये भी ठीक है, पी ओ क्यू बराबर आर ओ एस पी ओ क्यू बराबर क्यू ओ आर, यदि पी ओ क्यू 50 डिग्री तो क्यू ओ आर आर ओ एस पी ओ एस का मान कितना होगा। ना ये सवाल ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई एक आपको बदलना पड़ेगा, 50 किसका दिया है, पी ओ क्यू, चलिए मैं इसे दिखाऊँ, अगर पी ओ क्यू 50 तो इसका ये कर रहा हूँ पी ओ एस, पी ओ आर
POR, ये 50, ये 50 है, QOR की जगह हम लिख लेंगे POR, तो ठीक रहेगा। ये 50 POQ 50, तो पी इधर है ना, POQ 50, तो ये हो गया आपका ROS कौन ROS, POQ बराबर ROS, ये 50 तो हो गया 50, तो POQ हो गया 50, तो जगह 50 यहाँ ROS करेंगे, तो OQR ये 50 है, तो 180 होना चाहिए दोनों जोड़कर, 130 ये हो जाएगा, 180 50 130, 130 ये भी कितना होगा 130। अब ठीक है, यहाँ पर ROS कर देंगे, ROS ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये 50, तो ROS भी 50, तो QOR ये ROS करेंगे, ROS 50, तो OQR बराबर OQR ये हुआ, इसके विपरीत ये कौन POQ 130 से 130। आगे अपने शिक्षक से आप संपर्क कर लीजिएगा। आते हैं 9 नंबर, चार किरणें किसी एक बिंदु इस प्रकार मिलती है, एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि जो समूह कोण बनते हैं वे बराबर हैं, प्रमाणित करें कि इन चार किरणों द्वारा दो सरेखाएं बनती हैं। तो चार किरणें किसी एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है, ये चार किरणें मान लीजिए हो गया, एक बिंदु ऊपर मिलती है, तो समझो समूह कोण बनते हैं, ये दोनों समूह कोण बना, वे बराबर हैं, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, प्रमाणित करें कि चार किरणों द्वारा दो सरेखाएं बनती हैं। चलिए देखते हैं यहाँ कैसे समाधान किया गया है। मान लिया OA OA OB OC, क्या कहता है OA OA OB OC OD रेखाएं O बिंदु पर मिलती हैं, ये चार रेखाएं O बिंदु पर मिलती है, एवं कोण AOB बराबर कोण COD, कोण AOB बराबर कोण COD तथा कोण AOD बराबर कोण BOC, प्रमाणित करना है OA OA OC एवं OB OD एक ही सरेखाएं क्रमशः AC एवं BD हैं, AC एवं BD है, प्रमाण कोण A, इसको देखते हुए कोण AOB प्लस AOD जोड़ेंगे बराबर होगा COD ये कोण
प्लस BOC ये कोण बराबर। अब किसके बराबर है ये दोनों बराबर, ये बराबर कौन छोटा कोष्ट में AOB जोड़ AOD प्लस COD प्लस BOC COD BOC चारों को जोड़ दिया गया 360 डिग्री का 1/2। तो ये बराबर ये चारों को जोड़कर उसका आधा कर दिया, चारों को जोड़कर 360 डिग्री का 2 कर दिए 180 डिग्री। इसलिए AO कोण AOB प्लस AOD बराबर 180 डिग्री तथा OB और OD सरेखाएं हैं। OA विपरीत दिशा में स्थित है तो OD और OBA की सरेखा है एवं कोण AOB कोण BOC बराबर प्लस है, कोण COD प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री, किंतु ये संलग्न कोण है एवं OB रेखा सरेखा OA OC रेखा OB के विपरीत तरफ स्थित है। बाह्य रेखा OA और OC एक ही सरेखा पर स्थित है प्रमाणित, जैसे गणित दीपिका में था मैं पढ़ दिया। ठीक है, अगला हालांकि मैं जब यहाँ पढ़ रहा था तो मुझे कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा था, ना आया है। ठीक है, अलग से बोलिएगा तो प्रूव करके दिखा दूंगा। ये किताब का आपको पढ़ कर दिखाना था, दिखा रहा हूँ। अगला, एक कोण के अंतर समद्विभाजक एवं बाह्य समद्विभाजक परस्पर लंब रूप में स्थित होते हैं तो प्रमाणित करें एक कोण के अंत समद्विभाजक एवं बाह्य समद्विभाजक परस्पर लंब रूप में स्थित होते हैं प्रमाणित करें। तो मान लिया BOC का बहिष्कोण BOC का बहिष्कोण AOC एवं BOC का अंत समद्विभाजक BOC का BOC का अंत समद्विभाजक OE है तो सिद्ध करना है COD प्लस COE। ये देख लीजिए, अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। मैं आपको अपने से प्रूव करके दिखा दूंगा। इस तरह से पूरा हुआ और आप क्वेश्चन कर पूछिएगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं खुद से प्रूव करके आपको समझ में दिखा दूंगा। अगर ये समझ में आया तो बस इतना ही।